हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमक्योर्क। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। सब्जेक्ट सोशल साइंस, वर्कशीट नंबर 23, क्लास 6, अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार, विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्कु पूरे साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। शुरू में ये अस्थाई निवास हुआ करते थे, लेकिन बाद में भिक्कुनियों के लिए स्थाई निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता है। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्कुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्कू और भिक्कुनी लोगों को शिक्षा देते थे। आइए इस रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विहार क्या होते थे? उत्तर है, भिक्कुनियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, विहारों का निर्माण कैसे होता था? उत्तर है, शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। थर्ड है, विहारों के निर्माण में कौन सहायता करते थे? उत्तर है, धनी व्यक्ति व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। क्रियाकलाप है, अपने परिवारजनों एवं शिक्षकों की सहायता से प्रमुख प्राचीन विहारों के नाम प्राप्त कीजिए। उत्तर है, जुन्नार विहार, कोकर विहार, मदुरई विहार, नालंदा विहार, विक्रमशील विहार। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।